देखिए, इस टाइम फिलहाल में राजनीति में मोदी को टक्कर देने वाला कोई है नहीं, और राहुल गांधी का सपना जैसे अडवाणी का सपना रह गया, वो सपना ही रह जाएगा। राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते। अडवाणी उप प्रधानमंत्री बन गए, उप प्रधानमंत्री ये बनेंगे नहीं और पीएम बन नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका सपना, ये लिखित भाषा बोलते हैं, ये इटली की भाषा बोलते हैं, हिंदुस्तानी भाषा बोल ही नहीं सकते हिंदी में ये, क्योंकि अगर हिंदी की आती इनको तो ये कभी नहीं कहते कि 2019 में प्रधानमंत्री मैं बनूँगा। खुद कोई, मैं भी नहीं कह सकता कि मैं बनूँगा। केजरीवाल भी नहीं सोचा था कभी मुख्यमंत्री बनूँगा, और ना वो कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूँगा। तो ये अपने आप में कहना कि मैं 2019 में मुख्य प्रधानमंत्री बनूँगा, ये इम्पॉसिबल है, और ये तो दिन में तारे देखने वाली बात है बस। मोदी के सामने टिक पाएंगे? मोदी के सामने तो अभी तो कोई फिलहाल टिकने वाला ही कोई नहीं है। कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं, और कांग्रेस दर मतलब पीछे ही पिछड़ती चली जा रही है, क्यों? राहुल गांधी की वजह से। अगर इनकी जगह पर, राहुल गांधी की जगह पर कोई यंग कांग्रेस में, और भी यंग लीडर हैं जैसे जतिन हुआ, सचिन पायलट है, माधवराव सिंधिया का लड़का ज्योतिरादित्य सिंधिया है, अगर इनको सबको बनाया जाता तो भी कुछ टक्कर दे सकते थे बीजेपी को, वरना राहुल गांधी तो नहीं दे सकते। राहुल गांधी में हिम्मत नहीं है कांग्रेस को, बीजेपी को टक्कर देने की, और कांग्रेस का पतन का कारण ही राहुल गांधी और गांधी परिवार है इस टाइम।